आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर पर बयान देकर एक बार फिर से राहुल गांधी चौतरफा घिर गए और इस बार बीजेपी के साथ साथ शिवसेना ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है। चुनाव काल में वीर सावरकर पर राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की चिट्ठियां पढ़ने की नसीहत दी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया। आप भारत जोड़ने निकले हैं या तोड़ने निकले? कल आपका बयान महापुरुष वीर सावरकर के बारे में, इतना हल्का बयान स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सोच है तो इसलिए ये तोड़ने निकले हैं, ये जोड़ने नहीं निकले। आज मैंने गांधी जी का लेटर ट्वीट किया है, वही लाइनें गांधी जी ने कही है, तो इसका मतलब क्या गांधी जी माफी वीर है? तो राहुल गांधी को ना इतिहास मालूम है, ना वर्तमान मालूम है, कोई स्क्रिप्ट लिख कर देता है उसके ऊपर बोलते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो राहुल गांधी को खरपतवार तक बता डाला। राहुल बाबा खरपतवार है, ये फसल ही खराब कर देगा, ये कांग्रेस, ये आप, ये देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। कांग्रेस के सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चला चुकी शिवसेना ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है, साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी, उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे सद्दा का स्थान मानते हैं और हमेशा रहेंगे। सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने सावरकर पर अंग्रेजों की मदद का आरोप लगाया था, तभी से ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।